बीएसएफ मुल्क की जो सरहद है उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक अहम रोल अदा करती है। हालांकि कई सारे ऑपरेशन आपने चलाए हैं, लेकिन जो बॉर्डर पे के आर पार स्मगलिंग हो रही है उसको रोकने के लिए क्या कुछ नए इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, बॉर्डर पर लगातार आतंकवादी संगठनों या बॉर्डर पार के लोगों का प्रयास रहता है कि वो किस तरह से यहाँ पे नुकसान पहुंचा सकें, कोई आतंकी गतिविधि को अंजाम दे सकें। अगर उस हमारी, क्योंकि हम बड़ी ही चौकन्नी से सीमा की प्रहरी कर रहे हैं, हमारे जवान बहुत ही डिफिकल्ट वेदर टेरेन में बहुत ही प्रोफेशनली सीमा को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा आतंकी गतिविधियां काफी कम हुई हैं। उनका ये भी प्रयास होता है कि किस तरीके से यहाँ के यूथ को ड्रग्स के साथ जोड़ा जाए। तो ड्रग्स वो यूज करते हैं कि नई जनरेशन को वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में डाल दें, जिससे कि देश को नुकसान पहुंचा सकें। लेकिन हम बॉर्डर पे बहुत ही चौकस हैं, हमारे बहादुर जवान 24 घंटे सीमा की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। और इस तरह के जो भी प्रयास होते हैं, चाहे वो ड्रग्स हों या आर्म्स और एमिनेशंस हों, हम बड़ी ही स्ट्रांगली उनको राज्य में, देश में आने से रोकते हैं। अच्छा सर, जिस तरह से इनपुट्स लगातार आ रहे हैं आपकी इंटेलिजेंस में भी, बॉर्डर के उस पार जो लगातार कोशिश होती है धरंदाजी की, उस पर क्या कहेंगे, क्या कुछ इंटेलिजेंस बीएसएफ की कह रही है? जी, हमारे पास इंटेलिजेंस लगातार आती रहती है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज से, जो कि काफी वल्नरेबल और लॉन्चिंग पैड्स होते हैं, वहां से उनकी कोशिश जारी रहती है। और जिस तरह से हमारी इनपुट, हमको इनपुट मिलती है, उसी हिसाब से हम अपनी मेथोडोलॉजी, अपना प्रिवेंटिव एक्शन प्लान करते हैं। उसी हिसाब से पेट्रोलिंग में रिव्यू किया जाता है, उसी तरह से हम अपने एम्बुश पॉइंट्स लगाते हैं। और